बंदगी के लिए हजारों लोगों ने सजदे में अपना सिर झुकाया और कायनात के मालिक से दामन फैलाकर दुआ की। ये हजारों लोग जुटे थे शहर की दोनों ईदगाहों में, मौका था ईद उल जुहा की नमाज का। हजारों लोगों का इस तरह एक कतार में अनुशासनबद्ध तरीके से खड़े होकर पेश इमाम साहब की सदा पर एक साथ सिर झुकाते हुए देखना बेहद खूबसूरत मंजर था। ईद की नमाज के लिए बुजुर्गों और नौजवानों के अलावा बच्चे भी नए कपड़ों में सज धज कर बड़ी तादाद में ईदगाह पहुंचे थे। रविवार को ईद उल जुहा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने कुर्बानियां भी की। ईद के मौके पर शहर के मुस्लिम बाहुल इलाकों में अल सुबह ही चहल पहल शुरू हो गई थी। सुबह से ही लोगों ने ईदगाह की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। पहले बड़ी ईदगाह और फिर छोटी ईदगाह में नमाज अदा की गई। इन दोनों ईदगाहों में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अल्लाह से मुल्क की तरक्की, उन्नति और अमन चैन शांति के लिए दुआ की। ईदगाह के अलावा मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और एक दूसरे की खुशहाली के लिए शुभकामनाएं दी। ईद को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से की थी। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।